मेरे पास इतने ही रुपए हैं, भाई का एडमिशन भी कराना है। लग रहा है लोग अमीर लोग, ला लोग से मदद मांग के देख। चलो कल चलते हैं। भैया भैया मेरे कुछ मदद कर दीजिए, मेरे भाई का एडमिशन कराना है, मेरे पास इतने ही रुपए हैं। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए? हाँ भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं अपने भाई को पढ़ा के बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। चल तुझे कितने पैसे चाहिए बता? 5,000 रुपये चाहिए साहब। चल पैसे तुझे हम देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे हमारा एक काम करना होगा। क्या काम है साहब? आप जो बोलेंगे सब करने के लिए तैयार हूँ। तुझे मेरे जूते साफ करने होंगे। नहीं मैं तुम लोग के जूते नहीं साफ करूँगा। तो सोच ले अपने भाई का एडमिशन कैसे करवाएगा। अगर तूने हमारे जूते नहीं साफ किए तो पूरे शहर में तेरे भाई का एडमिशन कहीं होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है मैं आप लोग के जूते साफ कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे आप पैसे दे देंगे ना? हाँ हाँ चल ले लियो पैसे। चल चल बढ़िया साफ कर। आज जूते साफ हो गए। चल हमारी गाड़ी साफ कर। बढ़िया साफ कर बढ़िया से। अगर तुझे पैसा चाहिए तो ढंग से काम कर, यहाँ भी गंदा, चल इसको साफ कर। अब तो गाड़ी भी साफ हो गई, अब तो कुछ दे दीजिए। अगर तुझे पैसे चाहिए चल पहले हमारे हाथ पर दबा। और अच्छे से कर। अबे ढंग से दबा, दम नहीं है क्या? भैया आप तो कुछ दे दीजिए, आपने जो जो बोला सब कर दिया मैंने। पैसे चाहिए? चल चल निकल। अबे चल जा। अबे वो देख साले गरीब को हमारी गाड़ी बैठा हुआ है। साले की इतनी औकात चल बताते हैं। अबे भिखारी उस दिन हमने तुझे भीख नहीं दिया तुम्हारी गाड़ी चोरी कर रहा है। मार साले। क्या हुआ भाई, उन लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? क्या बताऊं भाई, बहुत दिनों से मैं काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। एक दिन इन दोनों से मदद मांगने गया, मदद ना करके मुझे रोड परेशान करते हैं। आज तो हद ही हो गया, मुझे मारा पीटा। भाई मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी को जानता हूँ, उनके पास कई कारखाने हैं, तुम उनके पास चले जाना, कोई ना कोई काम तुम्हें जरूर मिल जाएगा, मैं उनका पता तुम्हें दे दे रहा हूँ। धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं भाई। बैठो बताओ क्या काम है। मालिक मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने भाई का एडमिशन भी करवाना है, अगर आपके पास कोई काम है तो काम दे दीजिए। मैं नौकरी तुमको दे देता, मेरे यहाँ मैनेजर का पोस्ट खाली था, मगर अभी 2 दिन पहले एक अच्छा मैनेजर मिल गया है, इसीलिए मुझे किसी भी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी तुमको नहीं दे सकता। ठीक है मालिक। भैया आपकी गाड़ी बहुत गंदी है, लाइए मैं साफ कर देता हूँ, उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिएगा। अबे सुन, तू अपनी शकल देख, तुझसे साफ तो मेरी गाड़ी है,
तेरी औकात भी है गाड़ी छूने की? चल निकल यहाँ से। भैया मेरे पढ़ाई के लिए इतना परेशान रहते हैं और दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, मैं उनके सर का बोझ नहीं बनना चाहता। चलता हूँ, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। भैया भैया कुछ काम दे दीजिए, वही बर्तन रखा उसको साफ कर देते हैं। अरे छोटू यहाँ क्या कर रहा है? ये सब क्या कर रहा है? क्या बताऊँ भैया, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं भी सोचा मैं भी कुछ काम कर लूँ। मैं किस लिए हूँ? तेरे पढ़ाई लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, बस तू मन लगा पढ़ाई कर। ठीक है भैया, तुझे ही हमारी गरीबी दूर करनी है, बस तू पढ़ाई कर और कोई अच्छा नौकरी पा। ठीक है भैया, मैं मन लगा के पढ़ूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। मुझे इतना दिन से कोई नौकरी नहीं मिल रहा, अपने भाई का एडमिशन कैसे करवाऊंगा? क्यों बे, अंधा हो गया क्या? साले तुझे दिखाई नहीं देता, जहां मीर देखे नहीं वही चले आते हो पॉकेट मारने। अरे भैया मेरा ध्यान कहीं और था। भैया अबे तू साले पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया? साले तुम लोग अमीर आदमी देखते नहीं, ये पीछे ही पड़ जाते हो। भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ चोरी करने नहीं आया, बल्कि आपका पर्स लौटाने आया हूँ। क्या, मेरा पर्स? भैया ये लीजिए, जब आप बाजार में सामान ले रहे थे तब आपका पर्स वहीं गिर गया था। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको गलत समझ बैठा। इस पर्स में मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है और मेरी माँ के फोटो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने ये पर्स लौटा कर बहुत बड़ा काम किया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, अपने भाई का एडमिशन कराना है, बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है। भाई मेरे पास कोई काम तो नहीं है, मुझे मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल गए, मेरे लिए बहुत है। ये पैसे तुम रख लो, हो सके इससे तुम्हारे भाई का एडमिशन हो जाए। धन्यवाद भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अब मेरे भाई का एडमिशन हो जाएगा। तो मेरे भाई का एडमिशन हो जाएगा। चलते यार। अबे इस भिखारी के पास पैसे कहाँ से आए बे? किसने इसको इतनी भीख दे दी? चल इसको बताते हैं, चल पैसे ला। भैया मेरे पैसे दीजिए। अगर तुझे पैसे चाहिए ना, एक बार फिर मेरे जूते साफ कर। भैया मैं आपके जूते नहीं साफ करूंगा, पिछली बार मैं आपके जूते साफ करा था, पैसे नहीं दिए थे आप। अरे तू हमसे जबान लड़ाएगा? अरे तेरी औकात हमारे जूते साफ करने की, हमसे पैसे मांगने की नहीं। नहीं भैया मुझे मेरे पैसे दीजिए। साले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे बताता हूँ। भैया ये आपको क्यों मार रहे हैं? छोड़ जाने दे छोटे, तू यहाँ कैसे? नहीं भैया पहले बताइए ये आपको क्यों मार रहे थे? क्या बताऊँ छोटे, कुछ साल पहले तेरी पढ़ाई के लिए मैं इधर उधर मदद मांग रहा था, एक दिन मुझे ये लोग दिखे, इन लोग से मैं मदद मांगने गया, इन लोग मदद ना करके मुझे रोज परेशान करते हैं। भैया ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और सुन, अगर किसी का मदद ना कर सको तो उसका मजाक भी उड़ाना तुम लोग हक नहीं है, और किस बात की अकड़ है तुम लोग में? देख सुन, हर समय एक जैसा नहीं होता और वक्त बदलते देर नहीं लगती, आज देख इस गरीब की औकात। भैया आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं है और ये सबके मुंह ना लगे, ये सब इंसानियत नाम पे कलंक है। आइए आप मेरे साथ चलिए।
हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप लोग बिना लाइक के वीडियो देख के चले जाते हैं तो लाइक कर दिया करिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए। और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।